हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ न्यू पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज बेटी एट द पार्टी। व्हाट डू यू डू व्हेन समवन फॉल्स डाउन। जब कोई नीचे गिर जाता है अपनी चेयर पे से, आपकी क्लास में आपने कभी देखा होगा कि कोई एकदम से अपनी चेयर पे से नीचे गिर गया किसी गलती से, तो आप क्या करते हो? डू यू लाफ एट देम और हेल्प देम गेट अप। क्या आप उनके ऊपर हंसते हो या उनकी हेल्प करते हो कि वो फिर से अपनी सीट पर अच्छे से बैठ जाएं? रीड दिस फनी पोएम टू फाइंड आउट वॉट हैपन्स टू ए लिटिल गर्ल एट ए पार्टी। तो हम एक फनी पोएम है बेटी एट द पार्टी। इस फनी पोएम को हम पढ़ेंगे और फिर हमें पता लगेगा कि एक लड़की जो कि एक पार्टी में गिर गई थी उसके साथ क्या हुआ। ओके बेटा, सो लेट स्टार्ट रीडिंग। वेन आई वॉज एट द पार्टी सेड बेटी एज जस्ट 4, ए लिटिल गर्ल फेल ऑफ हर चेयर राइट डाउन अपॉन द फ्लोर। ठीक है, When I was at the party, ये कौन कह रही है? एक लड़की अपनी मदर को ये कहानी सुना रही है। When I was at the party, जब मैं पार्टी में थी, said Betty, aged just 4, उसकी एज सिर्फ 4 साल की थी। She was only 4 years old, आप लोग ज़्यादातर 4 या 5 years old होते हैं ना बेटा, फर्स्ट क्लास के बच्चे। So she said, When I was at the party, said Betty, aged just 4, a little girl fell off her chair, right down upon the floor. जब मैं पार्टी में थी और उस टाइम मैं 4 साल की थी, एक लड़की अपनी चेयर पे से गिर गई। ए लिटिल गर्ल फेल ऑफ हर चेयर राइट डाउन अपॉन द फ्लोर। सीधा चेयर से गिरकर वो कहाँ पर गिर गई? फ्लोर पर गिर गई। एंड ऑल द अदर लिटिल गर्ल्स बिगेन टू लाफ बट मी, आई डिडंट लाफ ए सिंगल बिट, सेड बेटी सीरियसली। ऑल द अदर लिटिल गर्ल्स, मेरे अलावा जितनी भी छोटी छोटी लड़कियाँ थी, दे ऑल बिगेन टू लाफ। लाफ मतलब कि हंसने लगी, वो सारी की सारी जोर जोर से हंसने लगी। बट मी, आई डिडंट लाफ ए सिंगल बिट, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हंसी। आई डिडंट लाफ ए सिंगल बिट, मैं थोड़ा सा भी नहीं हंसी। सेड बेटी सीरियसली, बेटी ने सीरियस होकर कहा। वाई नॉट, हर मदर आस्ट हर, फुल ऑफ डिलाइट टू फाइंड डैट बेटी, ब्लेस हर लिटिल हार्ट, हैड बीन सो स्वीटली काइंड। Why not? उसकी मम्मी ने पूछा कि आप क्यों नहीं हंसी बेटा। Why not? Her mother asked her, full of delight to find. Delight का मतलब होता है with great happiness. वो बहुत ज़्यादा खुश हुई ये बात जानकर that Betty, bless her little heart, कि उनकी बेटी बेटी, उसका दिल बहुत ही अच्छा था, may God bless her, had been so sweetly kind, कि वो इतनी ज़्यादा kind थी, caring थी। Kind का मतलब होता है someone who behaves in a gentle and caring way, कि उनकी बेटी इतनी ज़्यादा केयरिंग है, इतनी अच्छी है कि वो किसी के ऊपर हंसी भी नहीं। वाई डेंट यू लाफ माई डार्लिंग, और डोंट यू लाइक टू टेल, आप क्यों नहीं हंसे बेटा। ठीक है, डार्लिंग का मतलब जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यारा है, जैसे आपकी मम्मी आपको बाबू सोना कहती है ना, ऐसी डार्लिंग कहते हैं। वाई डेंट यू लाफ माई डार्लिंग और डोंट यू लाइक टू टेल, आप क्यों नहीं हंसे बेटा, या फिर आप हंसे थे और आप मेरे को बता नहीं रहे हो। I didn't laugh, said Betty, because it was I that fell. मैं नहीं हंसी मम्मी, I didn't laugh, said Betty, because it was I that fell. क्योंकि ये तो मैं ही थी जो गिरी थी। तो इसका मतलब क्या है? When Betty was 4 years old and when she was in a party, she fell off a chair and everybody started laughing at her. बेटी एक पार्टी में गई हुई थी और वो 4 साल की थी, जैसे ही वो चेयर पर से नीचे गिर गई, सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हंसी क्योंकि उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज द पोएम बेटी एट द पार्टी। प्लीज रीड दिस पोएम 2 times. आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं और इस पोएम को 2 बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें एक बार। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कल सेंड करूंगा। और एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, इफ़ यू वांट टू आस्क मी समथिंग, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय पर्सनल नंबर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।